डीएमएसपी के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में हुई छापामारी, भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। अहले सुबह बक्सर सेंट्रल जेल में डीएम तथा एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुआ। बताते चले कि बिहार गृह विभाग के निर्देश पर डीएमएसपी ने आज तड़के सुबह छापेमारी की, जहां सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक छापेमारी चली। 1.5 घंटे की छापेमारी में पुलिस प्रशासन को जेल के अंदर से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। इस दौरान डीएमएसपी ने कुख्यात अपराधियों के सेल की भी बारीकी से तलाशी लिया। सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान जेल प्रशासन के साथ साथ कैदियों के बीच भी हड़कंप का माहौल कायम रहा। इस मामले को लेकर बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि यह छापेमारी रूटीन छापेमारी के तहत की गई है, जहां जेल से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बहरहाल जिस प्रकार जेल में बंद अपराधियों द्वारा धमकी भरे फोन आना या कुख्यात अपराधियों के द्वारा उनके इशारे पर किसी घटना को अंजाम देने की सूचना मिलती रहती है, इसके रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाई होती है। हालांकि आज छापेमारी के दौरान किसी तरह की आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, सिटी न्यूज, बक्सर से। जी, आज सुबह लगभग 1.5 घंटे तक पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरे द्वारा स्वयं सेंट्रल जेल बक्सर में सडन इंस्पेक्शन एक किया गया था। क्या जी? नहीं, ये रूटीन सडन इंस्पेक्शन है जो किया जाता है नियमित प्रशासनिक तौर पर, वही उसी क्रम में इसी को आज ही इंस्पेक्शन ये किया गया। कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं पाई गई, हालांकि लगभग सभी वार्डों में छापेमारी की गई थी, कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं पाई गई।